बरेली जिले में आईपीएल सट्टे को लेकर इस सीजन में पुलिस को पहली कामयाबी हाथ लगी है। किला पुलिस ने 28 लाख रुपए की नकदी के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं जिले के बाकी थानों में भी हो रहा सट्टा, लेकिन पकड़ने में वहां की टीम नाकाम साबित हो रही है। पकड़े गए सट्टेबाज के पास से मोबाइल, एटीएम कार्ड के साथ अन्य सामान भी बरामद हुआ है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने एक घर पर दबिश दी थी, जहां से पुलिस को 4 तलवारें भी बरामद हुई हैं। किला पुलिस की इस बड़ी सफलता के बाद अधिकारियों ने थाना प्रभारी और टीम में शामिल पुलिसकर्मियों की पीठ थपथपाई है। रविवार की शाम किला इंस्पेक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव को सूचना मिली थी कि गढ़ी पुलिस चौकी स्थित गौसियान मस्जिद के पास नेहरू स्कूल में आईपीएल सट्टा खेला जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी ने एक टीम तैयार कर मौके पर दबिश डाली। पुलिस ने घेराबंदी कर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से पुलिस ने 28 लाख रुपए की नकदी बरामद कर ली है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड समेत अन्य सामान भी बरामद किया है। पुलिस ने पकड़े गए युवक से पैसों का हिसाब मांगा, युवक बरामद हुए पैसों का कोई भी हिसाब नहीं दे सका। जानकारी करने पर पुलिस को पता चला कि सारा पैसा आईपीएल मैच के सट्टे का है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। इस दौरान युवक ने अपने कई साथियों के नाम पते उगले। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने उसके एक साथी के घर दबिश डाली। पुलिस दबिश की भनक लगते ही आरोपी फरार हो गया। इस दौरान फरार हुए आरोपी के घर से पुलिस ने तलवारें भी बरामद की हैं। इसके बाद ही पुलिस अन्य सट्टेबाजों की तलाश में दबिश दे रही है। वहीं इस मामले में एसपी सिटी ने बताया कि जल्द ही और भी सट्टेबाजों को पकड़ लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि सट्टेबाज का मोबाइल फोन भी कब्जे में ले लिया गया है। उसके मोबाइल फोन में कई नंबर ऐसे मिले हैं जिन नंबरों पर सिर्फ मैच के दौरान ही बातचीत होने के प्रमाण मिले हैं। पुलिस ने बताया कि इसके साथ ही आरोपी के मोबाइल फोन में कई रिकॉर्डिंग्स भी हैं, जिनको सुनकर उन नंबरों के जरिए मैच पर सट्टा लगाने वालों तक पहुंचा जाएगा। फिलहाल पुलिस की रडार पर आधा दर्जन सट्टेबाज हैं, जो फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमें जो बरामदगी हुई है उसमें 28 लाख और 41,870 रुपये, उसके अलावा 4 तलवार है और कुछ शराब की बोतलें हैं, पासबुक हैं, एटीएम कार्ड है, आधार कार्ड है, इत्यादि चीज़ हमें बरामद हुई है। सर, जो खुलासा किया है, क्या खुलासा है, किस तरह से ये पूरा कहना है? क्या आईपीएल का है ये? कुछ दिन पूर्व हमें अपने एक मुखबिर खास के द्वारा एक इनपुट मिली थी आईपीएल सट्टा के संबंध में। इस सूचना पर हमने इस सूचना को वेरीफाई किया। इसमें प्रथम दृष्टया जो चीज़ें हमें लगी कि ये प्राइमा फेसी जो है सही प्रतीत हो रहा है, इसमें हमारी टीम जो है लगी हुई थी। उसके बाद में इस को हमने डेवलप किया, जब ये चीज़ें मैच्योर हो गई, पता लगा कि नहीं, ये चीज़ें सही ट्रैक पे जा रही है, सही है। उसके बाद में हमने एक व्यक्ति को पकड़ा और उसके पास से जो है कुछ पैसे बरामद हुए और उसके मोबाइल फ़ोन को जब हमने कब्जे में लिया, मोबाइल फ़ोन का जो हमने जब विश्लेषण किया तो उससे बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आई, जिसके आधार पर हम इसमें और आगे बढ़ते गए और इसमें जो है इतनी बड़ी जो है रिकवरी उसके आधार पे हुई है। कितने लोग हैं गैंग में? इतनी बड़ी रिकवरी हुई है, काफी लंबे समय से सट्टा आईपीएल का कारोबार कर रहे थे, किस तरह से लीड बनी और सर ये पूरा नेटवर्क इसमें कौन कौन लोग शामिल है? जो जिस व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है उसका नाम राहुल है, थाना प्रेमनगर छत का रहने वाला है। उसके मोबाइल से सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग और जो व्हाट्सएप चैट थे उसका जो अवलोकन किया गया, तो इसमें हमने एक पूरा चार्ट बनाया, एक ट्री बनाया, जिसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित थे, अलग अलग थाना क्षेत्र के हैं। इसके आधार पे हमने फिर जो है दोबारा हमने दबिश दी कुछ घरों पे, वहाँ से जो है पैसे बरामद हुए, लेकिन जो लोग थे उसमें सम्मिलित लोग हैं वो अभी फरार चल रहे हैं। जो भी लोग इसमें फरार हैं उसे गिरफ्तारी के लिए जो है हमने 3 टीमें लगा दी हैं और इस संबंध में थाना किला पे हमने एक मुकदमा पंजीकृत किया है, जिसमें जो है जुआ एक्ट के अधीन मुकदमे हैं, एक्साइज एक्ट के मुकदमे हैं, आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं और ये सारे मुकदमे जो है लिखे गए हैं। इसमें 5 लोग तो अभी नामजद हैं, उसके अलावा अन्य जो लोग हैं जो उसमें फरार चल रहे हैं, कुछ है, लोग इसमें प्रकाश में भी आएंगे निश्चित तौर पे। इनके जो मोबाइल्स हैं उससे सारी डिटेल हमें जानकारी मिलेगी। जो कैश और जो माल बरामद हुआ है, जो गिरफ्तार व्यक्ति इसी से बरामद हुआ है, जो फरार साथी उससे बरामद, इससे जो माल हमारे पास जो अभी वर्तमान में है ये 2 व्यक्तियों से बरामद हुआ। एक जो व्यक्ति अभी राहुल है जो हमारे कब्जे में है, पुलिस हिरासत में है, एक वो है, एक दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम प्रशांत है, वो मौके से फरार हो गया, कहीं अभी नहीं मिला है। उसके लिए भी हम लोग टीमें लगा दिए, उसके यहाँ से भी माले काफ़ी बरामद हुए।